तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में, जो कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों। इसका आज का क्लोजिंग था 196 का एंड 52 वीक हाई था 211 का। ये कुछ दिनों में अपना 52 वीक हाई ब्रेक करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आइए जानते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो इसका जो ईपीएस है -21 है। जी हाँ, -21 है, पर उसका कारण बताऊंगा आपको कि है डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.5, जो कि डेट कंपनी पे, जो फाइनेंस कंपनी होती है उन पे जनरली होता ही है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर्स के पास है 73%, जो कि अच्छा है। एफआईआई के पास है 6%, जो कि अच्छा है, और डीआई के पास है 7%, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, एफआईआई डीआई के बीच में स्टेक है। और अगर हम लोग बात करें कि ये इसका ईपीएस माइनस क्यों है, क्योंकि इसका मार्च क्वार्टर में इसने एक लॉस बुक किया था 648 करोड़ का। कुछ एडजस्टमेंट होगी, बुक एडजस्टमेंट होगी, या कोई लॉस हुआ होगा कोई प्रॉपर्टी बेचने में, उसके कारण लॉस बुक किया था। और उसके अलावा कभी भी कंपनी ने लॉस बुक नहीं किया है, वो एक ही क्वार्टर में था। बट अभी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, तो सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 38 करोड़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 65 करोड़, एंड सितंबर 2021 में वो बढ़कर हो गया 96 करोड़। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है। सिर्फ मार्च क्वार्टर में जो 600 करोड़ का जो उन्होंने लॉस बुक किया था, वो कुछ एडजस्टमेंट होगा या कुछ फाइनेंस अकाउंटिंग का कुछ होगा, वो हिसाब से किया था, इसलिए ईपीएस माइनस में है। अगर हम वो छोड़ दें तो कंपनी शानदार प्रॉफिट में है। कंपनी का शेयर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। 196 में आज भी 4-5% अप में था, और 211 का लेवल जल्दी ब्रेक करके ऑल टाइम ब्रेकआउट दे सकता है। इसीलिए पूनावाला फिनकॉर्प को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचिए, और इसके बारे में आप खुद स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।